और आगे बढ़ते हैं। सूबे में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 659 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब कुल संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो 18,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि स्वस्थ हो चुके मरीजों का आंकड़ा 8,998 हो गया है। रविवार को मिले संक्रमितों में जमशेदपुर से 125, गढ़वा से 85, रांची से 71, पलामू से 67 और पश्चिमी सिंहभूम से 44, धनबाद से 41, बोकारो से 29, हजारीबाग में 27, सिमडेगा में 25, लातेहार में 18, साहिबगंज और देवघर में 14, और गुमला और खूंटी में 12 केस मिले हैं। वहीं सरायकेला की बात करें तो सरायकेला में 11, रामगढ़ में 9, कोडरमा और गोड्डा में 8, पाकुड़ में 6, दुमका और चतरा में 1 मरीज मिले हैं। हर दिन जो नए मामले आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने और डराने वाले हैं। हर पश्चिमी सिंहभूम की बात करें या फिर राजधानी रांची की बात करें, हर जगह केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है पॉजिटिव मरीजों की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रिम्स से सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा बात कर लेते हैं। सत्यव्रत, हमने देखा कि रविवार को सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए, अब जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है 18,000 के पार है, लेकिन इस बीच जो इससे पहले आपने खबर दी कि अब जो बताया जा रहा रिम्स कोविड टास्क फोर्स के चिकित्सक है वो भी अब संक्रमित हो रहे हैं मरीजों की सेवा करते करते। देखिए, बिल्कुल सही कहा अमिता आपने कि लगातार मरीजों की का सेवा करते करते अब जो चिकित्सक हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं, और रिम्स के टास्क फोर्स के चिकित्सक हैं, वरीय चिकित्सक हैं, जाने माने चिकित्सक हैं डॉक्टर ऋषि तुरीन गुरिया, जो कि कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले करीब 4 महीने से लगातार जो टास्क फोर्स की टीम है जिसमें वरीय चिकित्सकों को शामिल किया गया था, लगातार संक्रमित क्षेत्रों में जाना, संक्रमित लोगों का इलाज करना उनका काम रहा। और वैसे में कहीं ना कहीं सर आप अस्पताल के प्रमुख हैं, चिकित्सक जो कोविड टास्क फोर्स के जो चिकित्सक हैं उसके प्रमुख हैं, लगातार मरीजों के सेवा करते करते अब चिकित्सक भी संक्रमित हो रहे हैं, डॉक्टर ऋषि तुरीन गुरिया भी पॉजिटिव पाए गए। हाँ, तो ये तो हो ही रहा है, इसके पहले भी हमारी नर्स कर्मी, मेरे स्टाफ, चिकित्सक संक्रमित हो रहे हैं। संक्रमण इतना डाइसी है कि कोई नहीं कह सकता कि किस चीज़ से संक्रमित और किस एक्टिविटी से आप संक्रमित हो जाते हैं। इनके जो रूट्स ज्ञात हैं वही रूट्स हमें जानकारी है कि हाँ इन चीज़ों से होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे अज्ञात कुछ होंगे, क्योंकि हम लोग तो अटमोस्ट केयर लेते हैं, फिर भी हम लोग मरीजों के और मरीज के परिजनों के संपर्क में लगातार रहते हैं, वैसे में तो कोई भी हो सकता है, ये तो पूरे विश्व की फेनोमेनन है। बिल्कुल सर, आप भी टास्क फोर्स के सदस्य हैं, अभी भी चिकित्सकों का हौसला उतना ही बुलंद है? नहीं, हमारा कार्य तो ही है सेवा करना, तो हमारा काम है, चाहे हम हों, चाहे मेरे नर्सिंग स्टाफ हों, चाहे पैरामेडिक्स हैं, हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं इसमें। ठीक है, हमारे एक कलीग को अभी हो गया है, पहले भी डॉक्टर्स यहाँ इन्फेक्टेड होते रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सावधानी बरतें, उसके बावजूद भी कुछ होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग काम करते रहेंगे, देखें आगे। बिल्कुल, जो चिकित्सक हैं उनका हौसला अभी भी बुलंद है, लगातार संक्रमितों की सेवा में लगे रहते हैं, और वैसे में अस्पताल कर्मियों की बात करें, चिकित्सकों की बात करें, नर्स की बात करें, लगातार संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन खुद अगर टास्क फोर्स के चिकित्सक जो वरीय चिकित्सक हैं डॉक्टर ऋषि गुरिया वो पॉजिटिव पाए गए हैं, वैसे में कहीं ना कहीं संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार रिम्स में और रिम्स के चिकित्सकों में फैल रहा है। अमिता, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण। तो तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के संक्रमण, ऐसे में 18,000 के पार सूबे में केसेस कोरोना पॉजिटिव के हो चुके हैं, और वो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी अब संक्रमित हो रहे हैं जो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज कर रहे हैं।